नमस्कार, राम राम साहब। श्री डूंगरगढ़ के सभी विश्वसनीय और प्रमाणिक समाचारों से जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूले। आइए देखते हैं आज 17 जून 2020 को हमारे क्षेत्र की खास खबरें। श्री डूंगरगढ़ में चाइना के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश, युवाओं ने मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की। ज्वेलर्स से लाखों की माल लूटकर भाग रहे आरोपियों को श्री डूंगरगढ़ में नापासर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में धर दबोचा। कोरोना बढ़ रहा है, सचेत रहे, सुरक्षित रहे। आज बीकानेर में 7 पॉजिटिव के साथ एक की मौत हुई। रसद विभाग ने नहीं पहुंचाया गांव में राशन, उपखंड अधिकारी ने किया निरीक्षण। रानी बाजार स्थित तापड़िया प्लाजा के किराएदारों का किराया 1 माह का माफ किया दुकान मालिक ने। ये थे आज के मुख्य समाचार। आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। चाइना की भारतीय सीमा पर की जा रही करतूतों का विरोध आम भारतीय भी करता हुआ नजर आ रहा है। आज हमारे कस्बे के बाजार में शहीदों की शहादत पर नम आंखों से आक्रोशित युवाओं ने गुस्सा चीन के झंडे को राख कर निकाला। युवाओं ने चीनी सामान के बहिष्कार का प्रण लिया और मोदी से मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की। वीर शहीद अमर रहे के नारे लगाए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में उपखंड अध्यक्ष महेश माली, मंत्री संतोष बोरा, प्रदीप जोशी, भवानी तावड़िया, कैलाश पालीवाल, अमित पारिक, भैरू सोनी, जितेंद्र झाबक, महेंद्र, उमा शंकर, श्याम सुंदर सुथार सहित कई युवाओं ने भाग लिया। नापासर थाना क्षेत्र में गांव खारड़ा में एक ज्वेलर्स की दुकान पर पिस्तौल दिखाकर लाखों की लूट करने वाले 6 लुटेरों को तोलियासर गांव की रोई में श्री डूंगरगढ़ पुलिस व नापासर पुलिस की सक्रियता और संयुक्त कार्रवाई में पकड़ लिया गया। श्री डूंगरगढ़ सीओ धर्माराम गीला, थाना अधिकारी सत्यनारायण गोदारा, नापासर थाना अधिकारी संदीप पुनिया ने नाकेबंदी करते हुए 2 लग्जरी गाड़ियों सहित लूट का सारा सोना चांदी और नगद रुपए बरामद कर लिए। तोलियासर गांव की रोई में कार्रवाई करते हुए आरोपियों के पीछे दौड़ते हुए खेतों में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कोरोना संक्रमण लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। आज बीकानेर जिले में 7 पॉजिटिव मरीज मिले व 42वें घंटे में दूसरी जान भी कोरोना ने ले ली। पॉजिटिव में 1 छत्तरगढ़ से और 6 मरीज बीकानेर से हैं। बीकानेर में पॉजिटिव का आंकड़ा 146 हो गया है। आज आई रिपोर्ट में 1 पॉजिटिव की मौत हो गई। मरीज कैंसर पीड़ित था और देर रात उसे तबियत बिगड़ने पर आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान 42 वर्षीय इस युवक की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही बीकानेर में मरने वालों का आंकड़ा 8 हो गया है। इससे पहले बता दें कि मंगलवार को भी 6 पॉजिटिव व 1 की मृत्यु का आंकड़ा रहा था। मंगलवार को चूरू में भी एक साथ 16 पॉजिटिव आने से हड़कंप समझ गया था। सरदार शहर में 9, सुजानगढ़ में 2, राजगढ़ में 2 और चूरू में 4 मरीज मिले। श्री डूंगरगढ़ राजकीय अस्पताल के मुख्य चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर एस के बिहाणी ने अपने नागरिकों से सचेत रहते हुए कोरोना से सुरक्षित रहने की अपील की है। लॉकडाउन में बीपीएल अंत्योदय खाद्य सुरक्षा में चयनितों को राशन वितरण किया जा रहा था, परंतु सामान्य परिवार आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे। सरकार ने प्रति व्यक्ति 10 केजी गेहूं और 2 केजी चने पहुंचाने के निर्देश रसद विभाग को दिए और 15 जून से 17 जून तक यह वितरण भी करना था, परंतु आज 17 जून को उपखंड अधिकारी जांच के लिए पहुंचे तो जानकारी मिली कि गांव में अभी तक राशन पहुंचा ही नहीं है। सालासर, पुंतलसर, धोलिया सहित कई गांव में राशन पहुंचा ही नहीं। उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल ने रसद अधिकारी बीकानेर को शीघ्र गांव में राशन पहुंचाने की बात कही है। गांव हेमासर, तोड़ियासर, जेतासर, कुकरियासर में भी न्योल ने राशन का स्टॉक चेक किया और वितरण प्रणाली की जाँच की। यहाँ सब कुछ सामान्य। श्री डूंगरगढ़ कस्बे में रानी बाजार में स्थित तापड़िया प्लाजा में तापड़िया परिवार ने अपनी 14 दुकानों का 1 लाख से अधिक 1 माह का किराया माफ कर दिया है। बिकम चंद इंद्रचंद तापड़िया ने इसे मानवता के हित में बताते हुए मध्यम वर्गीय परिवारों की मदद करना बताया। रानी बाजार में स्थित तापड़िया प्लाजा के सभी किराएदारों ने दुकान मालिक तापड़िया परिवार का आर्थिक मंदी में इस फैसले का स्वागत करते हुए इस परिवार का आभार प्रकट किया। श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी राजनीतिक, आपराधिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक समाचारों से जुड़ने के लिए जुड़िए श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें। आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। सादर धन्यवाद। शुभ